इस पे आरोप है कि एक बोंगाहरा का मदन महतो करके हमारे यहाँ एफआईआर करवाए थे। इनसे करीब 50 लोगों का स्थानीय गरीब जनता को ठगी किया है वाहन फाइनेंस कराने के नाम पर। उसे सभी से पैसा लेता था लेकिन उसको वाहन फाइनेंस आज तक नहीं कराया। उससे करते 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 करीब 1-1.5 करोड़ रुपया ही रामगढ़ जिले से खाली, विभिन्न थानों में भी इनके ऊपर मामला दर्ज है। इस पर हम लोग एक नजर में आया, हम लोग संज्ञान में आया, एफआईआर दर्ज किए। इसको लोग कई बार छापामारी करने का प्रयास किया लेकिन ये रहने वाले रांची के हैं, ठाकुर गांव का है, क्षेत्र का, परंतु ये फिरार आते थे। इनका काम ही ऐसा है करने के लिए। झारखंड के कई जिला में भी इन पर मामला दर्ज है। कल हम लोग का मौका मिला, इनको अरेस्ट करके लिए है, न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। मेरा नाम जावेद आलम है, मैं पिथौरिया थाना क्षेत्र के बाहू का रहने वाला हूँ। संजय कुमार रवि और संजय राम ने मेरे से 30 लाख रुपए का ठगी किया है वाहन दिलाने के नाम पे और लोन दिलाने के नाम पे। अभी सूचना मिल रही है कि मालू थाना के द्वारा उनका गिरफ्तारी हो चुका है। वो बहुत ही फ्रॉड आदमी है। मैं माननीय उच्च न्यायालय से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि माननीय उच्च न्यायालय से कि उन्हें जांच पड़ताल करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और साथ ही साथ मैं ताज़ा खबर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि उनके माध्यम से उन्होंने इस न्यूज़ को अच्छे से चलाया। हम सभी भुक्तभोगी का उन्होंने मान रखा, इसको अच्छे से गाइडलाइन करके चलाया। उसी का रिजल्ट है कि ये एक मुजरिम कहीं ना कहीं आज सलाखों के पीछे है। मैं फिर से ताज़ा खबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको ये टोटल पैसा अभी 1.7 करोड़ रुपया उनको दिए और साल भर से हमको वो चलावा देते रहे कि काम हो जाएगा। जब नहीं हुआ तब मैं 3 दिसंबर को मांडू थाना में आवेदन देकर केस रजिस्टर करवाए और उसके बाद वहां से मेरी कार्रवाई हुई और आज यहां मैं वो सफल बड़ा बाबू ये मेरे मांडू का खड़ी जो भी हैं अधिकारी उनके द्वारा कल बुधवार को उनको अरेस्ट करके मांडू थाना लाया गया और वहां से आगे उनका कार्रवाई हो रही है। लगभग हमारे गांव से संजय राम और संजय रवि, लगभग हमारे गांव के लोगों को 10 से 15 जन से पैसा इकट्ठा किया, लगभग 10-10 हज़ार 20 हज़ार करके सबको, किसी को एजुकेशन लोन दिलाने के नाम पे, किसी को गाड़ी कल्याण विभाग की तरफ से दिलाने के नाम पे, सबसे मतलब कि 10-10-20 हज़ार करके लिया। और किसके वजह से ज़्यादा पैसा दिया? और हमारे गांव के लगभग रामसुंदर महतो करके एक आदमी है, उनसे लगभग 4-5 लाख रुपये गाड़ी दिलाने के नाम पर उनसे भी लिया। फिर क्या किया इसलिए? उसके बाद फिर लगभग 2018 में वो हम लोग को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के नाम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया, जिसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम लोग के नाम पे टाटा कैपिटल फाइनेंस कंपनी से जाके एक एक बुलेट फाइनेंस करवा लिया और इंडसइंड बैंक में एक एक होंडा साइन भी बाइक फाइनेंस करवा लिया मेरा नाम से। आप लोग के नाम से? हाँ, हम लोग के नाम से।